नमस्कार, मैं विपुल। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस होता है उसके प्रिंसिपल वैल्यू को किस प्रकार से फाइंड कर। थोड़ा सा इजी जो भी क्वेश्चन थे सिंपल सिंपल उसको मैंने करा दिया था, केवल उसमें एक ही फंक्शन दिए, इसमें थोड़ा सा अलग अलग तरह के जो फंक्शन तीन फंक्शन दिए हैं तो इसको किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में देखोगे तो मैंने छोटे छोटे जितने भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.1 के वो सारे मैंने करा दिए थे। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल लिया हूँ, इसमें एक फंक्शन से नहीं बल्कि 2 से 3 फंक्शन आएंगे और किस प्रकार से इसको हल करोगे। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये क्वेश्चन VVI है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की भी आधी पॉसिबिलिटी है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन जो है, टेन इनवर्स 1 प्लस कस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। आप लोग इसका क्या करेंगे, जिस प्रकार मैंने प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पर एक पार्ट को मैंने यहाँ से किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से किया था। लेट यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, कोई एक फंक्शन को यहाँ पर थीटा एज्यूम कर लो, टेन इनवर्स देखो मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा एग्ज्यूम करते हैं। ठीक है, हम मान लिए लेट थीटा, ठीक है, और टेन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, एक एज इट इज रहेगा, ठीक है, और इनवर्स हट जाएगा तो आप लोग को टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा के आप लोग इसका रेशियो ढूंढना है कि कौन सा इसमें इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि टेन 45 डिग्री का यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है और 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। ठीक है, सो आप लोग इस प्रकार से टेन थीटा और टेन थीटा से टेन थीटा इसको कटा लोगे तो थीटा इज कस टू क्या आएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इसका हल कर सकते हो, थीटा इज कस टू π/4। ठीक है, आप लोग इसका ज्ञात कर सकते हो। ठीक इसी तरह से आप लोग क्या करना है, इसमें इसका वैल्यू फोट कर देना है। ठीक है, थीटा इज कस टू π/4 आया। ठीक है, तो आप लोग देखो टेन इनवर्स 1 का क्या है, डायरेक्टली आप लोग π/4 इसका रख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, जब भी कॉस इनवर्स में -1/2 आता है, कॉस इनवर्स माइनस में आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग पाई में से घटा कर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है, इसको भी आप लोग कोई थीटा अल्फा बीटा कुछ भी एज्यूम कर लो। मैंने चलो यहाँ पर देखो यहाँ पर वाई एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो आप लोग -1/2 का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स हट जाएगा, केवल वाई बचेगा यहाँ पर, क्या वाई हरेली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस में इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि कॉस -π/3 होगा। क्यों 3 होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, बराबर कॉस वाई। ठीक है, अब जब भी यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी माइनस में कॉस आता है तो उसको हम पाई में से घटाते हैं क्योंकि उसके रेंज के अंदर नहीं आता है, तो आप लोग पहले इसको कटा लो। ठीक है, वाई इज कस टू आ गया -π/3। जब भी एज इट इज ऐसा है तो आप लोग पाई में से घटा कर लिखना है माइनस में, केवल देखिए कॉस आ सकता है इसमें तो माइनस में से घटा लेना है और सेक में भी उसे ही करना है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 में से गया 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, 2π/3 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर रख लो 2π/3। ठीक है, और यहाँ पर इसका वैल्यू आप लोगों को जस्ट प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो मैंने हल करवाया था, उसका आया था देखिए -π/6 होगा। ठीक है, सो आप लोग इसको हल कर लो। ठीक है, 4, 3 और 6 का जो LCM होगा 12 होगा। ठीक है, 4 3 12 3 5 ऊपर वाले में गुणा करना है, 3 4 12 4 2 8 8 5 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, -1 माइनस होता है। ठीक है, 6 2 12 2 5 में करो तो 2π। यहाँ पर देखो दोस्तों 8 3 11 11 में से 2 गया 9π बट्टा क्या होगा 12। आप लोग उसको कटा लो। ठीक है दोस्तों, कटाओ 3 3 9 3 4 12, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 3π/4। ये है आपके आंसर। ठीक है, सो इसका आप लोग 3 पार्ट्स था, 3 फंक्शंस थे, जो देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के और ये प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकल के आ गया 3π/4। ठीक है, आप लोग इसमें भी ऐसे कर सकते हो, देखो कॉस इनवर्स 1/2 है। ठीक है, तो आप लोग 60 डिग्री है तो क्या लिखोगे, π/3। ठीक है, इसमें माइनस नहीं दिया है कि आप लोग पाई से घटा सकते हो। 2 एज इट इज रहेगा, देखिए साइन इनवर्स 1/2 यानी आप लोग जानते हो 37 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कहते हैं, आप लोग को पता होगा π/6, तो ये 2 3 6। ठीक है,
और पाई बाई थ्री और प्लस में क्या है पाई बाई थ्री, तो आप लोग कितना पाई बाई थ्री, तीन तीन के लगे तो तीन पाई प्लस पाई, ठीक है, और पाई बाई कितना हो गया टू पाई बाई थ्री, ये भी आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ते जाइए। देखिए साइन इनवर्स एक्स इजक्स टू वाई, देखिए जस्ट आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखोगे, मैंने दो चार पहले दिन पहले वीडियो बनाया था तो उसमें आप लोग को रेंज याद करवाया था, उसी का यहाँ पर लिखना है रेंज साइन इनवर्स का, तो इसका होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है, क्या होता है दोस्तों माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से नहीं लिखना है, थोड़ा सा अलग वे में लिखना है, इस तरह से, ये दोनों इंक्लूडेड होता है इसका फंक्शन में। देखिए वाई बिलोंग टू जो होगा ना, जैसे दोस्तों देखिए दोस्तों वाई बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से, इस तरह से नहीं लिखना है दोस्तों, ऐसे लिखना है वाई, फिर क्या लिखना है पाई बाई टू, एज इट इज इस तरह से लिखना है। जब ये देखिए आप लोग ये क्लॉज इंटरवल का साइन रहे तो ये दोनों भी इंक्लूडेड होता है, जस्ट इसके अंदर का रेंज हो वो भी इंक्लूडेड होता है, बाहर वाला भी दोनों होता है अंदर वाला, इस तरह से, इसलिए बराबर का चिन्ह यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है, और इस तरह से रहेगा ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे यहाँ से वाई मान लो, ठीक है, माइनस पाई बाई टू, यहाँ पर बराबर का साइन नहीं रहेगा, ठीक है, पाई बाई टू ऑलरेडी, ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे तो आप लोग इसमें साइन का इनवर्स क्या होता है कोसाइन इनवर्स में, तो आप लोग इस प्रकार से लिखते हो, उसमें नहीं लिखोगे, ठीक है, आप लोग देखिए अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वी वी आई क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, पूछने की भी अधिक पॉसिबिलिटी, ये भी क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, ठीक है, ये भी सवाल वी वी आई है, ठीक है, इस पर एक आप लोगों का सवाल आ सकता है कोसाइन इनवर्स वाला, आप लोग बना लीजिएगा, जीरो से पाई होता है तो जीरो से पाई का क्या होगा दोस्तों, देखिए जीरो से पाई वाला का आप लोग लिख सकते हैं, इस तरह प्रकार से होता है कोसाइन इनवर्स का है, ठीक है, तो जीरो बड़ा बराबर यहाँ पर देखिए वाई यहाँ पर पाई, ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हो कोसाइन इनवर्स का, ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोस्तों टेन इनवर्स रूट थ्री है, तो इसका क्या करोगे दोस्तों, तो आप लोग होता है 60 डिग्री का मान, तो पाई बाई थ्री इसको एज इट इज लिख दिए, ठीक है, जब भी सेक इनवर्स चाहे कॉस इनवर्स आए माइनस में तो आप लोग को पाई में से घटा कर लिखना है, तो पाई में से क्या घटा कर लिखोगे दोस्तों, टू किसका कितना डिग्री का मान होता है, तो आप लोग जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, तो सेक का होगा 2 केवल हो जाएगा, तो आप लोग पाई बाई थ्री 60 डिग्री का, अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए, इधर बटा के घटा बना लीजिए, तीन एकम तीन में से गया टू पाई बाई थ्री, अब इसको बटा घटा बनेगा तीन तीन पाई माइनस टू पाई, तो घट के आएगा माइनस पाई बाई थ्री, सो आप लोग इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो, कि आप लोग का एक्सरसाइज 2.1 जा तो जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को 2.2 और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी आप लोग एग्जाम बन रहे हैं वो सबको मैं एक वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छे प्रकार से आप लोग को लर्न कराऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आने वाला वीडियो का आपका नोटिफिकेशन जस्ट आपके स्क्रीन पर मिल सके। सो इस वीडियो का एंडिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, गेट नॉलेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन जो है, टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, आप लोग इसका क्या करेंगे, जिस प्रकार मैंने प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पर एक पार्ट को मैंने यहाँ से किस प्रकार से देखो इस प्रकार से किया था, लेट यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, कोई एक फंक्शन को यहाँ पर थीटा एज्यूम कर लो, टेन इनवर्स देखो मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है, हम मान लिया लेट थीटा, ठीक है, और टेन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, एक एज इट इज रहेगा, ठीक है, और इनवर्स हट जाएगा तो आप लोग को टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा के आप लोग इसका रेशियो ढूंढना है कि कौन सा इसमें इसका वैल्यू होता है, ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि टेन 45 डिग्री का यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं पाई बाई 4 लिखते हैं, ठीक है, सो आप लोग इस प्रकार से टेन थीटा और टेन थीटा से टेन थीटा इसको कटा लोगे तो थीटा इजक्स टू क्या आएगा पाई अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इसका हल कर सकते हो थीटा इजक्स टू पाई अपॉन 4, ठीक है, आप लोग इसका ज्ञात कर सकते हो, ठीक इसी तरह से आप लोग क्या करना है इसमें इसका वैल्यू फोर्ट कर देना है, ठीक है, थीटा इजक्स टू पाई बाई 4 आया, ठीक है, तो आप लोग देखो टेन इनवर्स 1 का क्या आया डायरेक्टली आप लोग पाई बाई 4 इसका रख दो, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, जब भी कॉस इनवर्स में माइनस वन बाई टू आता है, कॉस इनवर्स माइनस में आता है ठीक है, तो उसको हम लोग पाई में से घटा कर लिखते हैं ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स माइनस वन पॉइंट टू ठीक है, इसको भी आप लोग कोई थीटा अल्फा बीटा कुछ भी एज्यूम कर लो। मैंने चलो यहाँ पर देखो यहाँ पर वाई एज्यूम कर लिया ठीक है, तो आप लोग माइनस वन बाई टू का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स हट जाएगा, केवल वाई बचेगा यहाँ पर, क्या वाई हरेली ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस में इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि कॉस माइनस पाई बाई थ्री होगा। क्यों थ्री होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस 60 डिग्री का मान होता है वन बाई टू और माइनस है तो माइनस लगा दिया ठीक है, बराबर कॉस वाई ठीक है। अब जब भी यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी माइनस में कॉस आता है तो उसको हम पाई में से घटाते हैं, क्योंकि उसके रेंज के अंदर नहीं आता है। तो आप लोग पहले इसको कटा लो ठीक है, y इज कॉस टू आ गया माइनस पाई बाई थ्री। जब भी एज इट इज ऐसा है तो आप लोग पाई में से घटा कर लिखना है माइनस में, केवल देखिए कॉस आ सकता है इसमें तो माइनस में से घटा लेना है, और सेक में भी उसे ही करना है ठीक है। तीन एकम तीन, तीन में से गया टू पाई बाई थ्री आ जाएगा ठीक है, टू पाई बाई थ्री आ गया इसका वैल्यू ठीक है। यहाँ पर रख लो टू पाई बाई थ्री ठीक है, और यहाँ पर इसका वैल्यू आप लोगों को जस्ट प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो मैंने हल करवाया था, उसका आया था देखिए माइनस पाई पाई सिक्स होगा ठीक है। सो आप लोग इसको हल कर लो ठीक है, फोर थ्री और सिक्स का जो एलसीएम होगा बारह होगा ठीक है, चार तिहाई बारह, थ्री पाई ऊपर वाले में गुणा करना है, तीन चौका बारह, चार दूना आठ, आठ पाई हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस वन माइनस होता है ठीक है, छः दूना बारह, दो पाई में करो तो टू पाई। यहाँ पर देखो दोस्तों आठ तीन ग्यारह, ग्यारह में से दो गया नौ पाई, बट्टा क्या होगा बारह। आप लोग उसको कटा लो ठीक है दोस्तों, कटाओ तीन तरीक नौ, तीन चौका बारह, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर, ये है आपके आंसर ठीक है। सो इसका आप लोग थ्री पार्ट्स था, थ्री फंक्शंस थे, इधर देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है और ये प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकल के आ गया थ्री पाई बाई फोर ठीक है। आप लोग इसमें भी ऐसे कर सकते हो, देखो कॉस इनवर्स वन बाई टू है ठीक है, तो आप लोग 60 डिग्री है तो क्या लिखोगे पाई बाई थ्री ठीक है, इसमें माइनस नहीं दिया है कि आप लोग पाई में से घटा सकते हो। टू एज इट इज रहेगा देखिए साइन इनवर्स वन बाई टू, यानी आप लोग जानते हो 37 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई सिक्स कहते हैं, आप लोग को पता होगा पाई बाई सिक्स, तो ये दो तिहाई छः ठीक है, और पाई बाई थ्री और प्लस में क्या है पाई बाई थ्री, तो आप लोग कितना पाई बाई थ्री, तीन तीन के लगभग तीन पाई प्लस पाई ठीक है, और पाई पाई कितना हो गया टू पाई बाई थ्री, ये भी आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ते जाइए। देखिए साइन इनवर्स एक्स इज कॉस टू वाई, देखिए जस्ट आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखोगे, मैंने दो चार दिन पहले वीडियो बनाया था तो उसमें आप लोग को रेंज याद करवाया था, उसी का यहाँ पर लिखना है रेंज साइन इनवर्स का, तो इसका होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ठीक है। क्या होता है दोस्तों माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, इस तरह से होता है ठीक है, लेकिन इस प्रकार से नहीं लिखना है, थोड़ा सा अलग वे में लिखना है इस तरह से, ये दोनों इंक्लूडेड होता है इसका फंक्शन में। देखिए वाई बिलोंग टू जो होगा ना, जैसे दोस्तों देखिए दोस्तों वाई बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से, इस तरह से नहीं लिखना है दोस्तों, ऐसे लिखना है वाई, फिर क्या लिखना है पाई बाई टू, एज इट इज इस तरह से लिखना है। जब ये देखिए आप लोग ये क्लॉज इंटरवल का साइन रहे तो ये दोनों भी इंक्लूडेड होता है, एडजस्ट इसके अंदर का रेंज हो वो भी इंक्लूडेड होता है, बाहर वाला भी दोनों होता है अंदर वाला, इस तरह से, इसलिए बराबर का चिन्ह यहाँ पर रहना चाहिए ठीक है। और इस तरह से रहेगा ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे यहाँ से वाई मान लो ठीक है, माइनस पाई बाई टू यहाँ पर बराबर का साइन नहीं रहेगा ठीक है, पाई बाई टू ऑलरेडी ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे तो आप लोग इसमें साइन का इनवर्स क्या होता है कोसाइन इनवर्स में, तो आप लोग इस प्रकार से लिखते हो, उसमें नहीं लिखोगे ठीक है। आप लोग देखिए अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, पूछने की भी अधिक पॉसिबिलिटी, ये भी क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं ठीक है, ये भी सवाल वीवीआई है ठीक है, इस पर एक आप लोगों को सवाल आ सकता है कोसाइन इनवर्स वाला, आप लोग बना लीजिएगा। जीरो से पाई होता है तो जीरो से पाई का क्या होगा दोस्तों, देखिए जीरो से पाई वाला का आप लोग लिख सकते हैं इस तरह प्रकार से होता है, कॉस इनवर्स का है ठीक है, तो जीरो बड़ा बराबर यहाँ पर देखिए वाई
यहाँ पर पाई, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों टेन इनवर्स रूट थ्री है, तो इसका क्या करोगे दोस्तों, तो आप लोग होता है 60 डिग्री का मान, तो पाई बाई थ्री इसको एज इट इज लिख दिए, ठीक है। जब भी सेक इनवर्स है चाहे कॉस इनवर्स आए माइनस में, तो आप लोगों को पाई में से घटा कर लिखना है। तो पाई में से क्या घटा कर लिखोगे दोस्तों, टू किसका कितना डिग्री का मान होता है, तो आप लोग जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, तो सेक का होगा 2 केवल हो जाएगा। तो आप लोग पाई बाई थ्री 60 डिग्री का, अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए, इधर बटक घटा बना लीजिए, तीन एकम तीन में से गया 2π/3। अब इसको बटक घटा बनेगा, तीन तीन पाई माइनस 2π, तो घट के आएगा माइनस पाई बाई थ्री। सो आप लोग इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो। ये आप लोग का एक्सरसाइज 2.1 जो था वो कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। और जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को 2.2 और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी आप लोग एग्जाम बन रहे हैं वो सबको मैं एक वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छे प्रकार से आप लोग को लर्न कराऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आने वाला वीडियो का आपका नोटिफिकेशन जस्ट आपके स्क्रीन पर मिल सके। सो इस वीडियो का एंडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, गेट नॉलेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।